प्राइवेट हॉस्पिटल के चिकित्सक पर लापरवाही बरतने का परिजनों ने आरोप लगाया। डॉक्टरों की लापरवाही के चलते बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने हॉस्पिटल के सामने जमकर हंगामा काटा। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। परिजनों को हंगामा काटते देख डॉक्टर मौके से फरार हो गया। पीड़ित परिजन कोतवाली में तहरीर देने पहुंचे और गौरतलब है कि अभी कुछ दिन पहले ही देवबंद नगर से एक फर्जी डिग्री धारक चिकित्सक पकड़ा गया था। उसके बाद भी देवबंद नगर के किसी भी नर्सिंग होम की जांच नहीं की गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय ने कहा कि शायद किसी बड़ी घटना से इंतजार में है उच्च अधिकारी। और तो और ये फर्जी झोला छाप डॉक्टर दवाई देने के अलावा सर्जरी भी कर रहे हैं और अपनी दुकानों के बाहर लुभावने होर्डिंग्स लगा रखे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही झोला छाप डॉक्टर की सर्जरी की वजह से ही एक महिला की जान पर बनाई थी, जब उसने लुभावने होर्डिंग्स को देख एक झोला छाप दंत चिकित्सक से अपनी जांच लिखवाई थी। सूत्रों के अनुसार ही झोला छाप डॉक्टर एक निश्चित रकम पर हर महीने अपनी दुकान चलाने के लिए उच्च अधिकारियों को भेजते हैं। तभी ये झोला छाप डॉक्टर निश्चित होकर आम भोली भाली जनता की जान से खिलवाड़ करते हैं। अब देखना ये है कि उच्च अधिकारी झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई करते हैं या यूं ही आम जनता को लूटने पीटने के लिए इन झोला छाप डॉक्टरों के रहन पर छोड़ देते हैं।